निरूपक भिन्न से संबंधित सवाल को देखेंगे। इसमें पहला जो सवाल है आपका वो लिखा दिया है, 1:40 की एक मापनी बनाइए जो 60 मीटर तक नाप सके, जिसमें मीटर तथा डेसीमीटर प्रदर्शित कर सके तथा इसकी अधिकतम दूरी 4.7 मीटर की दूरी हो। तो इसमें आप करेंगे क्या, सवाल में उन्होंने दे रखा है निरूपक भिन्न। निरूपक भिन्न ज्ञात करने के लिए ड्राइंग में वस्तु की प्रदर्शित माप और वस्तु की वास्तविक माप ज्ञात करनी पड़ती है। इसको ज्ञात करने के अनुसार वास्तविक माप माना कि 10 सेंटीमीटर है और प्रदर्शित माप 2 सेंटीमीटर है। तो हम इसको करेंगे क्या कि प्रदर्शित माप बटे वस्तु की वास्तविक माप। तो यहाँ पर वस्तु की वास्तविक माप है 10 और प्रदर्शित माप है 2, तो 2/10 इसको क्रॉस किया तो हमें क्या हो गया 1/5। अब लेकिन उनके सवाल में यहाँ पे 1:5 1:40 के अनुपात में निरूपक भिन्न अर्थात आरएफ दे रखी है। ये आरएफ उन्हें दे दी है, उन्हें कहा है 4.7 मीटर की अधिकतम दूरी को दर्शाइए। 1:40 की मापनी बताई गई है जिसमें 7 मीटर की दूरी है और इसमें डेसीमीटर और मीटर में कन्वर्ट करके 4.7 मीटर की दूरी को दर्शाना है। तो हम करेंगे क्या कि सबसे पहले निरूपक भिन्न आरएफ, आरएफ बराबर 1/40। 1/40 में वो कह रहे हैं कि 4.7 मीटर की दूरी को नापिए, तो इसमें अधिकतम लंबाई मापने के लिए हम क्या करेंगे कि निरूपक भिन्न गुणा, अब यहाँ पे जो मीटर में है उसमें तो नहीं कर उसको इस दर में हम यहाँ पे दर्शा देंगे, लेकिन उसके दशमलव के बाद वाला जो पॉइंट है सीमेंट, इसको हमें क्या करना है कि सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो हम कहेंगे क्या कि मापनी की अधिकतम लंबाई 1/40 निरूपक भिन्न गुणा सेंटीमीटर को हमने क्या किया मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 7/100। ठीक है, तो ये होगी इसमें आप क्या करेंगे कि आप इसका निरूपक भिन्न रूप में दर्शाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे 7 सेंटीमीटर की अधिकतम लंबी रेखा खींचेंगे, 7 सेंटीमीटर की, इसको 7 बराबर भागों में विभाजित करेंगे। ये हमने 7 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची, पहला जो भाग है पहले भाग को हमने 10 बराबर भागों में विभाजित कर लिया, इसके बाद वाले भागों को 6 बराबर भागों में विभाजित कर लिया। यहाँ पर ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हमें करना क्या है कि जो भी दशमलव की आने वाली संख्या है उसको हमें जीरो के इस तरफ से गिनना चालू करना है। ठीक है, अब हमने यहाँ से गिना 1, 2, 3 और 4 मीटर, 4 मीटर को हमने यहाँ पर दर्शा दिया, ये हो गई आपकी अधिकतम दूरी 4 मीटर, ये 4। ठीक है, अब दशमलव के बाद वाले पॉइंट यानी कि 7 डेसीमीटर, इसको हम क्या करेंगे कि जीरो वाले पॉइंट के आज इस तरफ से गिनना चालू करेंगे। यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 यहाँ तक जाके ये 7 हो गया। तो ये टोटल दूरी यहाँ से 4 और यहाँ से 7, 4.7 मीटर को अधिकतम मीटर को दर्शाई, अधिकतम दूरी को दर्शाई, निरूपक भिन्न में इसी तरह से इसको दर्शाया जाता है। ठीक है, ठीक। इसके बारे में कुछ जानकारी लेंगे, हैंड टूल्स आपके कारपेंट्री शॉप, आपकी आईटीआई प्रैक्टिकल्स, इसके बाद में इंजीनियरिंग ड्राइंग में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण या टूल्स है, ये टूल्स आपकी सपोर्टिंग टूल्स और स्ट्रोकिंग टूल्स के अंतर्गत आते हैं। इसमें सबसे पहला जो आपका नाम आता है वह है कॉम्बिनेशन प्लायर, कॉम्बिनेशन प्लायर। इस कॉम्बिनेशन प्लायर का इलेक्ट्रिकल सॉफ्टवेयर बहुतायत में प्रयोग किया जाता है। इसकी सहायता से आप किसी भी वायर को कटिंग करना, उसके ऊपर से कवर पॉइंट को हटाना, साथ ही वायर को अपनी जगह पर मोड़ना आदि क्रियाएं कर सकते हैं। यहाँ पर कॉम्बिनेशन प्लायर के कुछ भागों को दर्शाया गया है। इसमें पहला जो भाग है उसका है हैंडल, इसके मध्य वाला भाग कहलाता है रिवेट, जो कि दो जॉ आपका एडजस्टेबल जॉ के पैचों को आसानी से खोल सकते हैं और लगा सकते हैं। इसमें भी एडजस्टेबल आता है जो कि
हैंडल में विभिन्न रूपों में फिट कर दिया जाता है। इसके बाद में है पाइप वाइज। पाइप वाइज का यूज आपकी प्लम्बरी शॉप यानी कि नलकारी साला में पाइप को स्टेबल रूप में पकड़ने के लिए या स्थिर रूप में रखने के लिए पाइप वाइज का यूज किया जाता है। पाइप वाइज के मुख्य भाग होते हैं हैंडल, इसके बाद में एडजस्टेबल स्क्रू। एडजस्टेबल स्क्रू में एडजस्टेबल जॉ में संबंधित रहता है जिसको आगे पीछे ऊपर नीचे हॉरिजॉन्टल गति कराई जा सकती है, जिसकी सहायता से पाइप को स्टेबल जॉ और अनस्टेबल जॉ दोनों के मध्य में उसको स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपकी पाइप वाइज। यह मुख्यतः जो बेस पॉइंट होता है वह ढलवा लोहे का बना होता है और इसकी जो बॉडी होती है वह माइल्ड स्टील की होती है। तो ये आपका पाइप वाइज। लेकिन इसमें जो टीथ होते हैं वो राउंड शेप में ना होगा, समांतर शेप में होते हैं। ये समांतर शेप में होते हैं, ठीक है। तो इसको रैक बोलते हैं और इसको गियर या पिनियन, ये इसको पिनियन या गियर बोलते हैं, इसको रैक बोलते हैं। ये इसका फ्रंट व्यू, ठीक है, ये इसका कन्वेंशन। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं, पाइप फिटिंग एंड बल्ब, ठीक है। तो इसमें पाइप फिटिंग में प्लम्बरी शॉप से संबंधित होते हैं। प्लम्बरी शॉप में नलकारी साला, प्लम्बरी शॉप या नलकारी साला, हिंदी में बोले तो नलकारी साला, इंग्लिश में बोले तो प्लम्बरी शॉप, ठीक है। तो प्लम्बरी शॉप में कौन कौन से आपकी युक्तियां यूज की जाती है, तो इसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो होता है क्रॉस। क्रॉस का यहाँ पर सिंबल आप लोगों ने देखा होगा, टी एल को तमाम तरह के उसमें इक्विपमेंट आपने देखे होंगे। तो इसमें क्रॉस होता है, क्रॉस का कुछ इस तरह से सिंबल बनाया जाता है, ठीक है। एक होता है टी, टी को किस तरह से दर्शाते हैं। इसके बाद में इसका है स्लेट गियर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर इस पर गियर का एक टाइटल सिंबल सब्जेक्ट दिया हुआ है। यह इसका फ्रंट व्यू है, इसका साइड व्यू है, यह इसका कन्वेंशन है। यहाँ पर जो क्रॉस कट लाइन आप देख रहे हैं, ये क्रॉस कट लाइन है, इंक्लाइन लाइन कहलाती है। वो कितने डिग्री पर होती है, 45 डिग्री के टाइप ऊपर होती है, ठीक है। अब इसी के साथ में है हेलिकल गियर। हेलिकल गियर भी होता है इस पर गियर की भांति, लेकिन इसमें दोनों ही गियर संबंधित गियर और पिनियन, ये छोटी वाला जो आप देख रहे हैं ये पिनियन कहलाता है, ये गियर कहलाता है, आपस में संबंधित रहते हैं हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल स्थिति में, ठीक है। ये इसका कन्वेंशन है, ये इसका कन्वेंशन, ठीक है। इसके बाद में अगला है बार्म गियर। बार्म गियर हेलिकल गियर और स्पर गियर की भांति होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि यह अधिक भार पारेषण, हेलिकल और स्पर गियर की तुलना में अधिक भार पारेषण करने के लिए बार्म गियर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये इसका यहाँ पर कन्वेंशन दिया हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार है बेवल गियर। बेवल गियर का यूज मुख्यतः 45 डिग्री एंगल पर, 45 डिग्री 45 डिग्री के एंगल पर गति के पारेषण करने के लिए किया जाता है, ठीक है। ये इसका सब्जेक्ट है और यहाँ पर ये कन्वेंशन है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपका सीधा समांतर है और ये आपका पैरेलल है, तो ये 45 45 डिग्री कोण पर संबंधित रहता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेवल गियर। स्क्रीन पर मत पकड़ना है, ठीक है। तो आज हम प्रिज्म के बारे में जानेंगे। प्रिज्म वह सतही संरचना है जो मुख्यतः हेड और शीर्ष, शीर्ष वाले भाग पर और बेस वाले भाग पर समान होती है। यह मुख्यतः चार प्रकार की होती है संरचना आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग में, आईटीआई लेवल पर। पहला है त्रिभुजाकार ट्रायंगुलर प्रिज्म, दूसरा है वर्गाकार स्क्वायर प्रिज्म, तीसरा है आपका पंचभुजाकार पेंटागोनल प्रिज्म और चौथा है षटभुजाकार हेक्सागोनल प्रिज्म। अब यहां पर आप देख रहे हैं त्रिभुजाकार ट्रायंगुलर प्रिज्म। ट्रायंगुलर प्रिज्म यहां पर पहला जो भाग है, यहां पर ए बी और सी, ये तीनों की फॉर्म के ठीक नीचे हेड पोर्शन और बेस पोर्शन, ये दोनों के दोनों समान होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आउटर लाइन दिखा रही है, ये तो एक फ्रंट लाइन, फ्रंट लाइन आपकी सामान्य लाइन सी के रूप में दर्शाई जाएगी,
लेकिन जो हिडन लाइन है, जो पिछली पिछला परिदृश्य है, पीछे वाला भाग, उसको हम हिडन लाइन के रूप में दर्शाएंगे। ये डॉटेड लाइन या हिडन लाइन के रूप में दर्शाया जाएगा। तो यहाँ पर जैसे अपना दिख रहा है पोर्शन त्रिभुजा का, ठीक यही पोजिशन ए डैश, बी डैश और सी डैश ठीक समान होगा। हेड पोर्शन और बेस पोर्शन दोनों ही समान होंगे। ठीक इसी तरह त्रिभुजाकार की संरचना के ठीक इसी तरह होती है स्क्वायर प्रिज्म में जो हेड पोर्शन है हेड वह बिल्कुल समान होगा ए बी सी और डी। ये डी पोर्शन बिल्कुल सेम समान होगा इसके आधार यानी कि बेस पर। इसको हम ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश के रूप में दर्शाएंगे। ठीक है, ये आपका स्क्वायर प्रिज्म। अब इसके बाद में है पंचभुजाकार पेंटागोनल प्रिज्म। पेंटागोनल प्रिज्म में जो इसका हेड पोर्शन है, ये आपका इसका हेड पोर्शन है, हेड पोर्शन, और ये आपका बेस बेस ठीक समान होंगे। जो सामने परिदृश्य की रेखा है वो समान या साधारण लाइनों से दर्शाया जाएगा, और जो अदृश्य रेखा है उन्हें हेडिंग लाइन या हेडिंग लाइन के रूप में दर्शाया जाएगा। इसे ए बी सी डी और ई। अब इसके जो निचला पोर्शन होगा वह होगा ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश और ई डैश। ठीक है, इस तरह से हम इसको दर्शाएंगे। अब इसी प्रकार पंचकोण यानी पेंटागोनल की तरह ही षड्भुजाकार हेक्सागोनल प्रिज्म, हेक्सागोनल प्रिज्म है। यहां पर हेक्सागोनल प्रिज्म है ऊपरी परिदृश्य हेड और निचला परिदृश्य बेस ठीक समान होगा। यहां पर इसके नाम दे दिए ए बी सी डी ई और एफ। अब इसी के अकॉर्डिंग निचला वाला ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश ई डैश और एफ डैश। तो ये हो रहा है आपके प्रिज्म की संरचना। ये मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं, त्रिभुजाकार, वर्गाकार, पंचभुजाकार और षड्भुजाकार।